भोजपुरी फिल्मों के राइजिंग स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल पवन सिंह का सुर्खियों में छाने की असली वजह है उनकी फिल्म सत्या। आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार की फिल्म सत्या बीते दिनों पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पवन सिंह की फिल्म हिंदुस्तान के 200 सिनेमाघरों में रिलीज की गई है, जिसे देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की अपार भीड़ लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सत्या को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की इस कदर भीड़ बढ़ रही है कि सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए अलग से कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, कई सिनेमाघरों में तो हाउसफुल के बोर्ड तक लगा दिए गए थे। वहीं इस फिल्म को देख चुके लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। किसी का कहना है कि उन्होंने पवन सिंह को पहली बार एक्शन अंदाज में देखा है, तो किसी का कहना है कि फिल्म में पवन सिंह का डायलॉग उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्हें काफी पसंद आया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बीते दिनों पहले ही पवन सिंह की फिल्म सरकार राज भी रिलीज हुई थी, जिसमें पवन सिंह मोनालिसा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली थी, जितनी भीड़ फिल्म सत्या को देखने को लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि दर्शक जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं, ये फिल्म कमाई करने के मामले में भोजपुरी की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.